सो गाइज हेयर इज ब्रांड न्यू पल्सर 125 गाइज। इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोग वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं गाइज न्यू ग्राफिक के साथ में बाइक आ गई है मेरे सिटी में। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन गाइज आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस वजह से चीज़ें थोड़ी लेट हो जाती है। बाकी हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जल्दी लेकर आऊँ, तो फाइनली मैं आज आप लोगों के लिए ये बाइक लेकर आया हूँ। इस बाइक के बारे में गाइज आज बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, राइड रिव्यू भी करने वाले हैं और बाइक के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। गाइस सबसे पहले बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो बाइक का जो प्राइस है गाइस वो 88,000 रुपीज़ के आसपास का एक्सोरूम प्राइस आता है, एंड बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है गाइस वो लगभग 1,05,000 रुपीज़ के आसपास का ऑन रोड आ जाता है मेरे स्टेट में। अब आप लोगों के सिटी में क्या ऑन रोड प्राइस है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि आरटीओ इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। तो ये तो हो गया बाइक का प्राइस। बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में गाइस। तो मैं आपको बता दूं बाइक में आपको 124.4 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 4-stroke 2-valve DTSI बजाज का जो आपको पता है लोगो है, इनकी टेक्नोलॉजी है, BS6 कंप्लाइंट इंजन आपको बाइक में मिलेगा गाइस। इस बाइक में 11.8 का PS पावर है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा पावर है, एंड 10.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है गाइस। नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको बाइक में मिलेंगे, एयर कूल्ड इंजन है ध्यान रखिए। प्लस दोस्तों बाइक में आपको ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर में थोड़ा फर्क होता है, जो कि बजाज की 150 सीसी बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलता है, इसमें फिलहाल बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर यूज किया है जिससे कि प्राइस कट भी होता है और मेरे हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों कंप्लीटली बाइक का इंजन हो गया। फ्रंट में आते हैं, फ्रंट में सबसे पहले बात करेंगे बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स आते हैं, दिस इज रियली नाइस सस्पेंशन गाइस, जो कि मैं आपको चलाते हुए बताने वाला हूँ राइड करते हुए कि ये सस्पेंशन कैसे हैं। बात करें दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में आपको पता है कि बाइक में सिंगल डिस्क आते हैं लेकिन ABS नहीं आता, ठीक है। बाइक में आप लोगों को ये जो प्लेट मिल जाती है गाइस ये 240 mm की, ये 240 mm की। बात करें टायर के बारे में, 1800 के टायर आपको फ्रंट में मिल जाते हैं जो कि 17-inch व्हील के साथ में आते हैं, ट्यूबलेस टायर है ध्यान रखिए, बहुत अच्छे टायर्स हैं जो कि आपको इसमें MRF के टायर मिल जाएंगे। चलिए आते हैं बाइक की हेडलाइट में, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये बाइक की हेडलाइट है जिसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है, यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं ये हेलोजन लाइट है। शायद आने वाले समय में LED मिलेगा, बट फिलहाल अभी आपको हेलोजन आते हैं। अरे में टर्न सिंगल लैप जो कि आपको इसमें बल्ब मिल जाएंगे, दिस इज़ रियली नाइस गाइस। बाकी ठीक है, 125 के हिसाब से काफ़ी बेटर है ये। आपको छोटे छोटे DRLS लाइट भी आपको बाइक में मिलेंगे, ये मुझे काफ़ी प्यारे लगते हैं इस बाइक के। एंड फ्रंट से आप बाइक का लुक तो देख ही पा रहे होंगे, बाइक का जो लुक है गाइस वो तो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, साथ में ये मिरर क्वालिटी भी सुपर लगी मुझे, ठीक है। रियर में आते हैं, रियर में दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बाइक का लोगो मिलता है जो कि न्यू ग्राफिक के साथ में आया है। ये जो ग्राफिक है गाइस नया है, ये ग्राफिक इस बाइक में नया दिया गया, पहले नहीं आता था। रियर में आपको यहाँ पे टेल लाइट जो मिल रही है वो सेम पल्सर 150 जितनी भी सीरीज आप देख लीजिए 125 से 150 तक, सभी में आपको सेम टेल लाइट जो कि सेम LED आती है। ये टर्न सिंगल लैप है रियर के बाइक के, ये मड गार्ड है जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा बारिश में, ये दोनों ठीक है। एंड बात करें रियर सस्पेंशन के बारे में, तो नाइट्रो ट्विन शॉक सस्पेंशन आपको बाइक में मिलेंगे जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ये भी बेटर चीज है। एंड बात करें रियर टायर के बारे में, तो ये टायर आपको मिलेंगे 190 17-inch व्हील के साथ में आते हैं, ट्यूबलेस टायर है ये भी ध्यान रखिए। ये बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि मुझे काफी प्यारा लगा, दिस इज द फुली ब्लैक, ये भी काफी मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए बात करते हैं सीट के बारे में, तो सीट के बारे में दोस्तों देख लीजिए ये स्प्लिट सीट मॉडल है। इसमें एक नॉर्मल मॉडल भी आती है जिसका प्राइस थोड़ा सा कम है, बट इसका जो लुक है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे बाइक काफ़ी बड़ी लगती है। आप कह सकते हो पल्सर 150 जो ट्विन डिस्क आती है उसकी एक छोटा भाई आप उसे कह सकते हो, क्योंकि ये सेम उस पर बेस है। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है जो कि मेरे हिसाब से पिलियन इसमें कम्फर्ट बैठ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सीट आप देख पा रहे हैं ये फोम क्वालिटी बजाज ने भाई बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया है। बात करें दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो एक बार में 11.5 लीटर पेट्रोल 11.5 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा सकते हो। बात करें दोस्तों अब चलिए बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की डिज़ाइन की आपको इसमें मिलेगी,
रहेगी। अब चलिए इसे ऑन करते हैं। दिस इज़ रियली नाइस गाइस, स्पीडोमीटर काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका RPM है जिसे टेकोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलते हैं, ये फ्यूल का है, ये स्पीडोमीटर है, ये ओडोमीटर है, यहाँ पे भी आपको एक ओडोमीटर मिलता है जिसको आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको रीसेट स्विच भी बाइक में मिलता है। यहाँ पे लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको मिल जाएंगे एंड ये आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नॉर्मली स्विचेस में ये आपको पास स्विच का स्विच देखने को मिलेगा, ये लो बीम हाई बीम, ये टर्न सिंगल लैप, हॉर्न की साउंड सुन लीजिए जो कि काफ़ी अच्छी है एंड ये आपका इंजन किल स्विच, यहाँ पे आपको एक सेल्फ का स्विच बाइक में मिल जाता है गाइस। तो ये तो दोस्तों बाइक का कंप्लीट वॉक राउंड हो गया। बाकी मुझे तो बाइक बहुत अच्छी लगी, अब बाइक को राइड करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि बाइक का एग्जॉस्ट कैसा है। यू कैन सी काफ़ी स्मूथ लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड इंजन में आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस। रियली बहुत अच्छा स्मूथ बनाया है इन्होंने। तो ये तो कम्प्लीटली हो गया वॉक राउंड, चलिए बाइक को राइड करते हैं। सो गाइस चलिए बाइक को राइड करते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को वॉक राउंड तो अच्छी तरीके से दिखा दिया था गाइस, वैसे बाइक का जो ग्राफिक एंड कलर है काफ़ी मुझे अच्छा लगा कंपेयर टू ओल्ड, क्योंकि ये जो ग्राफिक इन्होंने दिया है ब्लैक कॉम्बिनेशन है सुपर्ब गाइस, सुपर्ब कलर बजाज की तरफ से पल्सर 125 में जो कि स्प्लिट सीट है। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है, अब बाइक को राइड करेंगे, राइड करके देखते हैं कि बाइक कितना ज़्यादा स्मूथ है, 125 के हिसाब से परफॉर्मेंस है या नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा कंपेयर टू अदर 125 सीसी बाइक कैसा बाइक का परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बाइक को राइड करते हैं गाइस। सो सबसे पहले बात करें अगर हाइट के बारे में गाइस, तो मेरी हाइट है 5.5, तो मेरे पैर इस साइड इतने पहुंच रहे हैं और इस साइड भी इतने पहुंच जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5.2 भी है तो भी यू कैन राइड दिस बाइक, आप इसे राइड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। तो चलिए राइड करते हैं एंड सीटिंग पोस्चर वेरी कंफर्ट गाइस, काफ़ी कंफर्ट लग रही है, जैसे अगर आपको सीटी के लिए देखना है या लॉन्ग टूर करना है उसके लिए काफ़ी कम्फर्ट है ये। सो सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है, देख लीजिए काफ़ी स्मूथ है इंजन। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं, तो थोड़ा सा रेव करके देखेंगे। हाँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 125 के हिसाब से जैसे बजाज का जो नेचर है आप लोग जानते ही हैं, बजाज की बाइक्स को हम उनकी परफॉर्मेंस के नाम से ही जानते हैं, पल्सर का नाम ही है भाई परफॉर्मेंस, तो 125 सीसी के हिसाब से इसमें भी जो परफॉर्म कर रही है बाइक ना, मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। मैंने बहुत सारी 125 बाइक चलाई है तो उनके कंपेयर में ये थोड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। और एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस किया गाइस कि बाइक को जब मैं थोड़ा हाई RPM में जा रहा हूँ तो ये इसमें थोड़ा वाइब्रेशन जो है ना वो काफ़ी मुझे कम लग रहा है कंपेयर टू BS4 अदर जो बाइक्स होती है बजाज की, जैसे 150 BS4 आती थी पल्सर, तो उसमें मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता था, बट इसमें पता नहीं क्यों मुझे बहुत कम फील हो रहा है। शायद हो सकता है बाइक काफ़ी न्यू हो इस वजह से भी हो सकता है, प्लस इससे पहले भी मैंने 125 चलाई थी इनकी ओल्ड वाली जो कि ओल्ड ग्राफिक के साथ में आती थी, तो वो भी मुझे थोड़ी सी मतलब वाइब्रेशन फील हुआ था, बट ये मुझे और भी ज़्यादा स्मूथ लग रही है गाइस। प्लस दोस्तों अगर बात करें गियर शिफ्टिंग के बारे में तो गियर शिफ्टिंग इज़ रियली नाइस गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये देखिए गियर मैंने डाउन कर दिया, ये मैंने गियर लगा दिया, मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने गियर चेंज किया, मतलब थोड़ा भी नॉइस आपको महसूस नहीं होगा। एंड आपको पता ही है स्पोर्ट्स जो बड़ी बाइक्स आती है उनमें स्लीपर क्लच का यूज़ भी इसीलिए किया जाता है, बट इसमें विदाउट स्लीपर क्लच बजाज ने ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है गाइस। एंड अगर बात करें दोस्तों क्लच के बारे में तो क्लच सुपर रिस्पॉन्स है क्लच का, एक्सीलेटर भी काफ़ी इंस्टेंट काम कर रहा है, मतलब ये देख लीजिए आप, ये तो मतलब हल्का सा आप एक्सीलेटर देंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ बाइक में पावर काफ़ी अच्छा है। प्लस स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो काफ़ी विजिबल है, जो कि आप GoPro में देख पा रहे होंगे काफ़ी विजिबल है, डे नाइट में भी अगर चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जो स्पीडोमीटर है वो विजिबल ना हो। प्लस दोस्तों अगर बात करें पिलियन कंफर्ट के बारे में तो मेरे साथ अभी बजाज के भाई बैठे हुए हैं, उनको कोई भी इशू नहीं हो रहा है, मैं इजिली बैठा हूँ, बीच में मेरा एक बैग भी रखा है जिसमें DSLR है, मतलब बैग काफ़ी बड़ा है, आई मीन टू से
फिर भी गाइस मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि हम दोनों को बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कोई भी इशू नहीं आ रहा है। ऐसे मैं इजीली इसे 100 प्लस किलोमीटर चला दूंगा, जितना मुझे ये कंफर्ट लग रही है पिलियन के साथ में भी और इतना बड़ा बैग मेरे रखने के बाद भी। तो आई मीन टू से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि फैमिली पर्पज़ के लिए मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइस। और जिस हिसाब से आजकल पेट्रोल का प्राइस भी चल रहा है, तो ये आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देगी। ये बाइक आपको ऑलमोस्ट हाईवे पे 60 के आसपास का माइलेज प्रोवाइड कर देगी गाइस। दिस इज रियली नाइस माइलेज, क्योंकि 125 सीसी में आपको इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है। बाइक काफ़ी बल्की है, बल्की मतलब काफ़ी बड़ी है बाइक यार, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड स्प्लिट सीट है। प्लस दोस्तों बात करें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन में मुझे थोड़ा सा हार्ड महसूस हुआ है, हल्का फुल्का। वैसे 125 सीसी के हिसाब से ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है उस चीज़ को। प्लस फीचर्स में अभी आपको पता है कि ग्लैमर आ गई है, उसमें और भी ज़्यादा फीचर्स दिया उन्होंने हीरो वालों ने, बट हाँ आने वाले समय में इसमें भी आपको वो चीज़ें और देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ब्रेकिंग टेस्ट करके थोड़ा सा दिखाऊंगा आगे कि बाइक की ब्रेकिंग कैसी है। बाइक में आपको सिंगल डिस्क आते हैं, ध्यान रखिए मुझे एक बात इसमें अच्छी नहीं लगती, वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बजाज ने प्लेटिना में ABS दे दिया, लेकिन भाई पल्सर 125 में इन्होंने ABS नहीं दिया। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया गाइस। मुझे लगता है कि इस बाइक में भी ABS देना था उनको, क्योंकि भाई अगर आपने प्लेटिना में दे दिया तो ऑब्वियसली बात है भाई ये बाइक भी 125 सीसी है, उससे थोड़ी बड़ी बाइक है, तो इसमें भी मेरे हिसाब से ABS होता तो ये बाइक और भी बेटर होती। लाइटिंग के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली आपको इसमें हेलोजन लाइट आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मल सिटी में राइड कर रहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हाँ अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी फॉग लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज आपको कोई भी फॉग लाइट की ज़रूरत बाइक में नहीं पड़ने वाली। स्विचेस में तो भाई आपको पता ही है बजाज की सभी बाइक्स में आपको सेम स्विच आते हैं, चाहे आप पल्सर 125 ले लो, चाहे आप डोमिनी 250 ले लो, डोमिनार 400 ले लो, सभी में आपको सेम स्विचेस आते हैं। तो बजाज अपनी स्विचेस में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मतलब आपको छोटी सी छोटी अपनी बाइक्स में भी आपको काफ़ी अच्छी स्विचेस क्वालिटी देते हैं ये लोग, जो कि मुझे काफ़ी प्रीमियम लगती है। एक टाइम था जब मेरे पास हॉर्नेट थी तो उसमें इतने अच्छे स्विचेस नहीं आते थे जितने अच्छे स्विचेस आपको इस बाइक में बजाज ने दिए गाइस। एंड बात करें दोस्तों बाइक के हैंडलिंग के बारे में, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मूथ लग रही है, मतलब हैंडलिंग में आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होने वाला कि जैसे अगर हम नॉर्मल भीड़ में चलाते हैं, सिटी में ज़्यादा भीड़ होती है, पब्लिक होती है, तो वहाँ पर आपको कोई इशू है, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अभी मैं इसको कंटिन्यू 5 से 6 मिनट तक चला रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे बाइक अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है गाइस। और स्मूथनेस रिफाइनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है गाइस, नहीं तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगती है। एंड मैंने बजाज की BS6 सभी बाइक्स में ये चीज़ फेस किया है कि इन्होंने रिफाइनमेंट प्लस इंजन स्मूथनेस में ना बहुत नेक्स्ट लेवल वाला काम किया है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया है। ये चीज़ तो भाई मानना पड़ेगा बजाज का, ये चीज़ मुझे ना बहुत प्यारी लगती है बजाज की गाइस। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ कि बाइक की ब्रेकिंग कैसी है। सो चलिए बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं, उसके बाद ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है इतना काफ़ी है। सो वी कैन सी, मतलब बाइक थोड़े भी स्कीड नहीं की, एक बार और कर देखते हैं। बस ब्रेकिंग मारने का एक तरीका होता है, मैं रियर एंड फ्रंट दोनों मिलाकर मारता हूँ हमेशा, ये देखिए, मतलब इजीली आप कंट्रोल कर लेंगे बाइक को, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड अदरवाइज गाइज, अगर इफ़ यू वांट फॉर सिटी, आई थिंक गो फॉर इट, नाइस बाइक गाइज। अगर सिटी के लिए देख रहे हो, बहुत प्यारी बाइक है गाइज, सच बता रहा हूँ, दिस इज़ रियली नाइस इम्प्रेसिव वर्क फ्रॉम बजाज, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से काम किया है। ये आपको एक रीसेट के स्विच मिलते हैं जिससे कि आप अपने ट्रिप मीटर यानी कि ओडोमीटर को सेट कर सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। एंड मैं आपको बता दूँ फिलहाल बाइक में फ्यूल इंजेक्टर नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है, मतलब फ्यूल इंजेक्टर थोड़ा सा अगर आ जाए बाइक में तो और बेटर हो सकती है। लेकिन ये चीज़ है कि फ्यूल इंजेक्टर के बाद क्या होगा कि बाइक का जो प्राइस है गाइस वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ने फ्यूल इंजेक्टर यूज़ नहीं किया बाइक में। बाकी मेरे हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, बाइक के जो सस्पेंशन है गाइस बहुत अच्छे हैं। एंड अगर बात करें दोस्तों रोड स्टेबिलिटी के बारे में, रोड में काफ़ी मुझे स्टेबल लग रही है, क्योंकि भाई पल्सर है, थोड़ा सा वेट होता है तो बाइक स्टेबल होगी ऑब्वियसली बात है। एंड पिलियन सीट काफ़ी अच्छी है, सिटिंग पोस्चर बाइक का मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है, यानी कि सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बाइक में ध्यान दिया है गाइस। मेरे हिसाब से पल्सर 125 वन ऑफ द बेस्ट बाइक हो सकती है, अगर आपको 125
125 सीसी में बाइक चाहिए, आपको माइलेज चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, फैमिली यूज़ है एंड लुक चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में बजाज प्रोवाइड करेगा। मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।